जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मसौढ़ी रामलीला जो है वो 112वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। कुछ कलाकारों से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस समय संदीप कपूर भी हैं जो बीते कई वर्षों से जो है वो विश्वामित्र जी का किरदार अदा कर रहे हैं। इनके पिताजी विश्वामित्र के किरदार के अलावा कई किरदार अदा कर चुके हैं। सर बताएं क्या क्या किरदार आप अदा कर चुके हैं, आपसे पहले कितनी मेरे चुनी जी। जी पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। इस रामलीला की सेवा करते हुए मेरे परिवार के मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी और मेरे ताई एक लड़के भी, उन्होंने काफ़ी, मेरे ताई जी ने 50 साल, पिताजी ने 45 साल, मेरे चाचा जी ने 35 साल और मेरे को भी करते हुए नियर अबाउट 22 साल हो गए। तो मैं, मेरे पिताजी पहले लेडीज रोल करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने विश्वामित्र का रोल शुरू किया, फिर कुछ समय से बीमार रहने लगे तो उनके बाद मैंने उनका रोल ले लिया। अब उनका रोल वो स्वर्गवास हो गए, उसके बाद उनका रोल रोल करते मेरे को 20 साल हो गए। क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मैंने अपनी होश में देखा तो वो पहले लेडीज रोल करते थे, जब मैंने अपनी होश में देखा तो विश्वामित्र रोल करने लगे। तो एक दिन मेरे को बोलने लगे यार मैं तो कल को चले जाऊंगा तो मेरा क्लब से नाम चले जाएगा। मैंने बोला मैं उनकी जगह फिर ये रोल करना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने यही रोल किया और रोल की कोई इच्छा नहीं। क्या सीख देता है? देखो जी, विश्वामित्र तो रामचंद्र के गुरु थे, तो रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सभी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा में चलना चाहिए, नशा पता को छोड़ के अच्छी राह पे चलना चाहिए, यही सीख देता है विश्वामित्र मेरे हिसाब से। आगे तो सीख जी आप खुद ही जानते हो, एक खानदान में कोई होता है ये काम हमने करना है। मैंने आपको पहले बताया मेरे पिताजी, मेरे ताया जी, मेरे चाचा जी और मेरे ताई लड़के महेंद्र कपूर जी जो कि राम करते 30 साल की उम्र, तो मेरे को 22 साल। मेरी पूरे फैमिली, मेरे पूरे खानदान ने इस राम की बहुत सेवा की है। आशीष जी क्या बचपन से शौक था कि पिताजी के जीवन का खंडन हो गया था जीवन में? हाँ देखो जी, ये तो होता ही है, जो अपने खानदान में जो गुण हो, जो अपने खानदान में अच्छी बात हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो उनके ही भगवान राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है, अपने माता पिता जी कृपा से हो रहा है सब। किस तरह देखते हैं पुरानी रामलीला और आज की रामलीला, कितना अंतर आ? देखो शी जी, ये बात मैं बताऊँ, हमारा काम है राम की सेवा करना जी। हमें सच्चे लगन से करते हैं, हमें ये देखना चाहिए वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें तो काम सिर्फ सेवा है भगवान राम की सेवा करना, सीधी बात जी, बस ये। और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे, उनका लड़का जी ये सर के हैं, सर कपूर जी का लड़का डिंपल कपूर का करोड़ उदार कर रहा है जी। हमने किसी से क्या लेना जी, कोई जैसे बदली करे। जब आपने शुरुआत की थी क्या इसी किरदार के साथ ही छोटे मोटे? हाँ नहीं नहीं नहीं, पहले छोट जब हमारे पिताजी होते उनका साथ आते थे, हम छोटे मोटे रोल करते थे, उनके बाद वो चले गए, फिर हमने विश्वामित्र का उनका उदाहरण कर लिया। तो कर रहे हैं कुछ डायलॉग सुना दीजिए जो आपके बहुत फेमस है रामलीला में। विश्वामित्र जी क्या भाई, हम ताड़कों का तो बोलते हैं, एक नारी हो के मांस खाती है, मदरा पीती है, तो ये नहीं होना चाहिए था। बट फिर विश्वामित्र जी उनका सभी का सफाया किया, भगवान राम को साथ लेके चले तो दशरथ जी के पास गए, उनके साथ लेके चले तो बस इस तरह से उन्होंने सफाया कर लिया। ताड़का जी क्या मैसेज रहेगा आज के यूथ के लिए जो आज गेम्स में जा रही है? देखो जी मैं बताऊँ शी जी, आज यूथ के यही मैसेज है कि वो नशा नहीं करे, अच्छे रास्ते में चले, हमारे भगवान राम जी का सेवा करें, जैसे माता पिता बोल रहे आगे का पालन करें, अपने खानदान की अच्छा सोचें, किसी का बुरा नहीं सोचे, वो हमारे तरफ से यही करते हैं बस। बाकी भगवान की इच्छा, राम प्रभु की इच्छा। आप एक मोस्ट सीनियर कलाकार हैं इस रामलीला में, आपको क्या लगता है कि मसौढ़ी के जो यूथ हैं उन्हें इस रामलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आना चाहिए? ये तो हमारा एक अच्छा बड़ा वो फेमस वो है जी, हमारा त्यौहार है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इसको पीछे खींचना चाहिए। देखो जैसे कपूर राम की इच्छा जी, इसमें कोई सी कि किसी के सर कोई हसान वाली बात नहीं जी, हमारा खानदानी काम है, ये मेरा पिता पुरखे चल राम चलता आ रहा है जी। तो अभी आप देखते हैं भगवान राम की जैसे अच्छे अच्छा जी, भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संदीप कपूर जी, जिन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने रामलीला में अपना सफर कहाँ से शुरू किया था और किस किरदार से उन्होंने अपना सफर जो है वो शुरू किया था, इसके बारे में आज हमने संदीप कपूर से विस्तार पूर्वक तरीके से जाना।